हनी सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, पूछती हूँ इनसे। हेलो हनी। मैं अभी सुबह सुबह भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, आज इतनी जल्दी क्यों? यस, आज होली है। हैप्पी होली टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। इधर आप देखो, क्या कर रहे हो? मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। ओश, कैसे हो? हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हैप्पी होली टू ऑल। आज होली है, आज रंगों और हर्षोल्लास का पर्व है, तो आप सब अपने घरों में और अपने आसपास अच्छे से होली मनाइए, सावधानी से और सूखे गुलाल से खेलिए, और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो हम भी होली खेलेंगे अभी और कान्हा जी को गुलाल लगाएंगे। अच्छा, आपने आज कान्हा जी के क्लोथ भी चेंज करे हैं? हाँ, तो मैंने अभी मंदिर भी साफ किया है और कान्हा जी के क्लोथ ओके, भी चेंज किए हैं, तो ये हम ये हमारे कान्हा जी को हैप्पी होली, हैप्पी होली कान्हा जी। तो हैप्पी होली कान्हा जी। अब हम गुड्डू को गुलाल लगाएंगे, छोटा लिटिल सा। गुलाल टू गुड्डू। आप ही लगाएंगे? अच्छा, आप आ जाओ आ इसमें जाओ, हैप्पी होली भी इसमें भी डालना डालेंगे है? बेटा। से हैप्पी हैप्पी होली, होली, हैप्पी होली, से हैप्पी होली। ओए हैप्पी होली। ओए ओए ओए, गुजी कितना अच्छा लग रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली Happy Holi to all our एवरीवन। से हैप्पी viewers, होली लक्ष्मी। stay happy, stay enjoyed। से जाए। तो शिवानी, आपने कुछ मीठा नहीं बनाया आज? बनाया भी। लक्ष्मी, व्हाट इज दिस? भुजिया। हाउ इज इट? यमी। लक्षिता, दोस्तों, आपको पता है कि ये हमने जो भुजिया बनाई है, बिना खोए और मावे के बनाई है। तो शिवानी, क्यों ना हम आपके अपने दोस्तों को बताएं कि ये बिना खोए के बनाई गई। तो शिवानी, आप हमें बताइए कि गुजिया बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनती है? देखो फ्रेंड्स, आपने गुजिया तो बहुत खाई होगी, पर वो सारी मावा वाली होती है। बट जो मैं आज बताऊंगी, मैंने जो ट्राई करी है घर पे, वो बिना मावा के है। तो हम बिना मावा के भी हमें चाहिए। तो मैंने मैदा के ये 4 कप लिए हैं, इसमें काफी सारी गुजिया तैयार हो जाएगी बन के। ये मैं घर का बना हुआ देसी घी मैं यूज कर रही हूँ, आज ही हमने बनाया। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, और इसे बनाने में हनी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। घी डालने के बाद जब आपका डो ऐसे जुड़ने लग जाए, तब पानी ऐड करना हमने स्टार्ट करना लिया है। पर पानी कम ले रहे हो इसमें, है ना? क्योंकि इसका थोड़ा हार्ड डो बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना हमने, इसलिए मैं पानी बहुत ध्यान से यूज कर रही हूँ। ये देखिए, तो धीरे धीरे डालेंगे पानी, तो हमें पता लगेगा कि कैसे हार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दक्षिता भी लगी हुई है अपने बर्तन लेके कुछ ना कुछ बनाने, मम्मी की तरफ देखते हुए। तो गुड्डू, आप क्या बना रहे हो? हाँ जी, ओके, पूरीज बना रहे हो आप? ओके ओके, सब्जी बना ली आपने? तो ये लगभग तैयार हो गया है मुझे लगता है। आटा मैंने काफी हार्ड डो बनाया है, तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, और कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच देसी घी के डाले हैं, और इसमें अभी मैं ड्राई फ्रूट को भूनूंगी। ये आधा कप ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूंगी, और हमें ये बड़े ध्यान से रोस्ट करने, इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भून रही हूँ। हल्का सा भूनने के बाद मैं इनको बाहर निकाल दूंगी। मैंने अभी ये ड्राई फ्रूट निकाल लिया बाहर, और इसको ठंडा होने देंगे। तो अभी जो ये देसी घी है, मैं इसी में ये नारियल का बुरादा वो ले रही हूँ, वो भी मैंने आधा कप ही लिया। आप जो भी मेजरमेंट यूज कर रहे हो, उसका हाफ कप है वो लेना। देखिए, ये भी ब्राउन हो रहा है, और इसका जो इसकी जो खुशबू आ रही है, वो बहुत ही अच्छी आ रही है। हनी, आपको आ रही है इसकी खुशबू? जी। 1 कप सूजी ले रही हूँ, ये पूरा कप है। पहले जो मैंने कप दिखाए थे, वो आधा आधा कप थे, और ये एक पूरा कप सूजी का मैं इसमें भूनूंगी अच्छे से। हनी, अब इसको चला रहे हैं, देखो ये ऑलमोस्ट ब्राउन कलर हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सुनहरा जो कलर हमें चाहिए था सूजी का, वही हो गया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें शुगर थोड़ी ज्यादा ऐड करूंगी, हाफ कप से ज्यादा शुगर है जो हम अभी ऐड करेंगे। तो अब हमारी इसमें शुगर भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अभी मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, और आधा कप ही फ्रेश मलाई डाली है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, और इसको चलाते जाएंगे। ड्राई फ्रूट
उसको मैंने क्रश कर लिया है वो, और जो कोकोनट का बुरादा था उन सभी को स्टेज में हम मिक्स कर देंगे इसी के साथ। अभी मैंने इसको छोटी इलायची को दरदरा पीसा और उसे भी ऐड कर दिया इसमें फ्लेवर के लिए। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। तो इसमें मैं किशमिश भी ऐड कर रही हूँ, इसको काट के ऐड करूंगी जिससे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा आएगा। बिल्कुल मावा जैसा लग रहा है। अभी मैं इसकी छोटी छोटी पूरियां बनाऊंगी। तो अभी मैंने इसकी छोटी छोटी पूरियां बेल ली हैं, अब इसमें स्टफिंग भरने की बारी है। ये मैंने गुजिया बनाने वाला सांचा लिया है, जो अभी मैंने पूरियां बेली हैं वो इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ पानी लगा दिया, अभी इसमें स्टफिंग फिल करेंगे हम। तो आप कह रही हो कि बिना सांचे से भी बन जाती है, तो ये बन जाती है बिना? हाँ बिल्कुल, बिना सांचे से भी, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना सांचे से भी बना सकते हैं। तो वो भी बताओगे आप अभी? हाँ बिल्कुल, वो भी बताते हैं। अभी ऐसे ही मैंने फिल करा है, देखिए। तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा वाला आटा है वो मैं हटा दूंगी। सांचा नहीं है तो आप एक कटोरी लेना, एक पूरी की तरह इसे बेलना, और स्टफिंग फिल करने के बाद आपने इसके किनारे पे पानी लगाना है ताकि अच्छे से बंद हो जाए। तो फोक तो सभी के घर में होता है, आपको प्लेस करना है इसके ऐसे करके, आप वैसा ही लग रहा है जैसे सांचे का होता है। तो अभी मेरी ये गुजियां कुछ तैयार हो गई हैं, मैं पहले इनको फ्राई करूंगी, और इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमने पकाना है, नहीं तो इसका टेम्परेचर ज्यादा और कम हो सकता है। हमने इक्वल टेम्परेचर रखना और सारे गुजिया को इकट्ठे ही फ्राई करना है। करके इसमें सारी गुजिया डालूंगी और इकट्ठे ही सभी को फ्राई करूंगी, और इसको लो फ्लेम पे मैंने फ्राई कर दिया। अगर आप बहुत ज्यादा इसको तेज फ्लेम पे फ्राई करोगे तो इसमें बबल्स बन जाएंगे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, और इसको सुनहरी होने तक ही हमने फ्राई करना है। हमारी गुजिया तैयार हो रही है, हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। देखो कितनी देखने में स्वाद लग रही है। हेलो दक्षिता, से हेलो टू एवरीवन। व्हाट आर यू डूइंग? मजा।